नमस्कार, आज सिजिल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ई बुक बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सिजिल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। सिजिल सॉफ्टवेयर ई बुक बनाने का एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें सबसे पहले आप कोई वर्ड फाइल जिसका ई बुक बनाना है वो पेस्ट कर देंगे फॉर्मेट पर, और कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको आपको याद रखना होगा। CSS फाइल, स्टाइल सीट, और जो भी फाइल अवेलेबल की गई उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी आपने पेस्ट किया उसको सेव कर लेंगे। सेव कर लिया, मान लीजिए मैंने लिखा आशुतोष 2018, ये मैंने सेव कर लिया फाइल। फाइल सेव करने के बाद कंट्रोल एस तो करना ही करना है। फिर सबसे पहले इसको हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडिंग दे दीजिए। मान लीजिए मैंने H4 हेडिंग, अलग अलग तरह के हेडिंग्स हैं। क्वेश्चंस को मैंने H4 दे दिया, H4 क्वेश्चंस को H4 अलाट कर दिया है, और H4 और ये है क्वेश्चंस को H4 दे दिया। और मेन चीज क्या है, स्टाइल, स्टाइल्स मेन है। स्टाइल्स में एड एग्जिस्टिंग फाइल्स, जो फाइल आपके पास है इसके लिए सबसे पहली फाइल आपकी होगी ये टेस्ट फाइल, CSS फाइल है ये, आपने ऐड कर लिया। कंट्रोल एस भी दबाते रहें और फिर सेक्शन पर जाएंगे। सेक्शन पर लिंक स्टाइल शीट्स क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे ओके। अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ ई बुक बनाने का। देखते हैं कैसे बनी कि नहीं बनी आपकी। फाइल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये आपकी ई बुक का पहला चीज पहला तैयार कि आपने हेडिंग कैसे दी है सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें कुछ अलग तरह से आप कर सकते हैं, कुछ शब्दावलियाँ जिनके बाद बॉक्स, बॉक्स मतलब किसी चीज़ को घेरा कर देना, बॉक्स पूरी लाइन को बॉक्स में रखना है या किसी निश्चित एक वर्ड को रखना है, लाइनिंग बॉक्स, लाइनिंग बॉक्स भी आपको देखना है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपकी क्लास, क्लास आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बॉक्स पहले देखेंगे, बॉक्स के लिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपको पहली लाइन पूरी सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर और H4 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये H4, ये H4 था, H4 के पास मैंने लिख दिया क्लास। जो भी क्लास है, जो भी चीज़ें आपको लगे, क्लास बराबर डबल इन्वर्टेड कामा बॉक्स बंद, कंट्रोल एस दबा देंगे। अब आप देखेंगे, देखिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका काले रंग का एक बॉक्स बन गया। अब हमको इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए स्टाइल पर जाएंगे, इसकी CSS फाइल खोलेंगे। CSS फाइल में देखिए प्रॉपर्टी है क्या, इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स की प्रॉपर्टी ये, इसमें बैकग्राउंड आपकी नहीं दी गई। तो आप अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड इसमें साइड में नीचे ऐड कर सकते हैं या दूसरी क्लास भी बना सकते हैं। मैंने लिख दिया बैकग्राउंड और येलो, मान लीजिए मैंने येलो कर दिया, बैकग्राउंड येलो, कंट्रोल एस, देखते हैं ये येलो बैकग्राउंड हो गई। मान लीजिए आपको ये करना है मैंगो, एक निश्चित टॉपिक है बीच का, निश्चित एक वर्ड है, एक वर्ड को अगर बॉक्स में रखना तो उनके स्पैन करना पड़ेगा। इसमें आपको तो कुछ ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले इसको आपने चालू किया, स्पैन लिखिए, स्पैन, फिर क्लास, क्लास, फिर डबल कामा, फिर बॉक्स, और इसको बंद कर देंगे, इन्वर्टर से बंद कर दिया। अब बंद कर लिया, मान लीजिए द मैंगो ट्री मुझको करना है, मैंगो ट्री, तो ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर चालू किया इसमें, और आब्लिक, बहुत ध्यान से देखें, आब्लिक स्पैन,
इस पैन और इसको बंद कर दिया, कंट्रोल एस सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये अब आप देखें फिक्स ऑटोमेटिक। ये बार बार आ रहा है, इसके मतलब कहीं कुछ गड़बड़ किया है मैंने। कहाँ गड़बड़ हो सकता है देखिए, ये मैंगो ट्री को हमको करना था तो स्पैन आपने किया, स्पैन के बाद क्लास लिखा, क्लास इज इक्वल टू नहीं लिखा, इज इक्वल टू करना चाहिए था, इज इक्वल टू बॉक्स बॉक्स डबल इन्वर्टेड कॉमा और बाकी द मैंगो ट्री स्पैन, द मैंगो ट्री स्पैन कंट्रोल एस। अब देखते हैं ये आपका मैंगो ट्री बॉक्स में आ गया। इसी तरह लाइनिंग बॉक्स होते हैं, लाइनिंग बॉक्स मान लीजिए है द बनियान ट्री, इसको करना है ये लाइनिंग बॉक्स में करना है तो इसमें क्या करेंगे, प्लगइन में जाएंगे और द बनियान ट्री यहाँ पर ये हो गया स्पैन स्पैन ऑब्लिक क्लास इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा लाइनिंग अंडर स्कोर बॉक्स, इसको बंद कर दिया ब्रैकेट में, इसको फिर इसको बंद किया, यहाँ चालू किया ऑब्लिक स्पैन और फिर इसको बंद कर दिया। तो लाइनिंग बॉक्स की प्रॉपर्टीज हैं, कंट्रोल एस दबा दिया। फिर देखेंगे ये आपका लाइनिंग बॉक्स, अब हुआ क्या, लाइनिंग बॉक्स आपका पहले बन गया, हमको लाना था द बनियान ट्री, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी कहाँ हुई, आपने बनियान ट्री सेलेक्ट नहीं किया, आपने बनियान ट्री नहीं सेलेक्ट किया, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये स्पैन यहाँ से हटाएंगे, बॉक्स द बनियान ट्री, अब इसको यहाँ पर बनियान ट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, बनियान ट्री बीच में ले आएंगे और ऑब्लिक स्पैन फिर बंद कर देंगे, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखते हैं ये आपका बनियान ट्री बॉक्स में आ गया, लाइनिंग बॉक्स आ गया। लाइनिंग बॉक्स को आपको कलर देना है तो इसके लिए फिर सीएसएस फाइल में जाएंगे, सीएसएस फाइल में लाइनिंग बॉक्स का क्लास देखेंगे, लाइनिंग बॉक्स कहाँ है देखिए, लाइनिंग बॉक्स, लाइनिंग बॉक्स में आपका बैकग्राउंड लिख दीजिए, बैकग्राउंड बैकग्राउंड में आपका ऑरेंज कलर मान लीजिए आपको करना है, ऑरेंज ऑरेंज किया आपने, कंट्रोल एस दबाया, देखते हैं ये आपका बनियान ट्री ऑरेंज में आ गया। इसी तरह अगर आपको कोई फाइल इंसर्ट करनी है तो आप फाइल ले लेंगे कहीं से, उसके बाद इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद फाइल इमेज में आ जाएगी, फाइल कहाँ आ जाएगी, इमेज में। मान लीजिए मुझको एक कोई इमेज लेनी है तो इमेज मैंने लिया, यहाँ से इमेज उठाई लोकल डिस्क ई से और मेरी इमेज मान लीजिए ये है, इसको कॉपी कर लिया गया, कॉपी कर लिया इमेज को और कॉपी करने के बाद उसी संबंधित फाइल में पेस्ट भी कर दिया, जो फाइल आपने सीजिल में थी आपकी इसी में, इसमें आपने इसको पेस्ट कर दिया, ये फाइल आपकी पेस्ट हो गई। अब इस फाइल में क्या करना है, ये इमेज बहुत बड़ी है, इमेज को छोटा करने के लिए कंट्रोल एस तो बीच में दबा ही दिया, कंट्रोल सी एस में जाएंगे, फिर इमेज पर जाएंगे, इमेज की क्लास खोलेंगे, इमेज की क्लास आपने खोली, मैक्सिमम विड्थ 100% थी, इसको 30% कर दिया आपने, 30% कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया और फिर देखेंगे ये फ़ोटो आपकी छोटी हो गई। इस फोटो को अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें आप वीडियोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा ई बुक क्रिएशन।
अब ये जो आपकी फाइल है, इस फाइल को आप अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी ईबुक रीडर्स की मदद से, ईपब रीडर की मदद से उसको पढ़ा जा सकता है। जैसे मेरे मोबाइल में गिडन रीडर है, अब गिडन रीडर से मैं पढ़ सकता हूँ आपको। अब देखिए गिडन रीडर में जो आपने ईबुक बनाई कैसे पढ़ेंगे। गिडन रीडर मेरे पास है, ईपब रीडर है। अब इसमें हम देख सकते हैं, ये जो ई बुक बनाई गई थी वो कुछ इस तरह से दिख रही है। और सबसे खास बात क्या है इसमें, ये पढ़ The भी Ganga सकते हैं। begins her journey from Gomuk. Where do the देखिए Yamuna and Saraswati join her? The Yamuna and the इसको Saraswati चेंज भी join कर her at a सकते हैं left. इसकी आवाज। The Yamuna and the Saraswati. The Yamuna and the Saraswati join her at Allahabad. Where does the Ganga end her प्रयास journey? करिए आप लोग भी The बना Ganga सकते हैं। ends her journey at the Bay of Bengal. Lessons.